everyone. This is my third lecture in the series of Madhubani painting. In my previous lectures, I have already told you about the background of the Madhubani painting, and in my second lecture, I have told you about the border design that was the basic border designing. So now today we will go further and discuss, and I will teach you more border designs and two very basic motifs of Madhubani art, that is sun and fish. आज हम जो बॉर्डर की डिजाइनिंग बना रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। हमने मैं प्रीवियस वाली भी दिखाना चाहूंगी एक बार आपको। ये हमने 5 बॉर्डर्स लास्ट क्लास में करे थे, आज हमने यहाँ से 6 बॉर्डर से स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं कि सिंपल कर्व्स हैं, फ्लोरल डिजाइन है, और जो मैंने आपको बारीक लाइन्स की बात करी थी मधुबनी पेंटिंग में, वो मैंने सारे बॉर्डर्स में दिया हुआ है। ये देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व एंड सम पेटल्स। This is a rose petal. This is a geometric shape. You can see that. Triangles, simple lines, curves with simple lines, straight lines, oval shape with lines, again with lines, and this is a curve with leaves. So you can see that we have used many geometrical shapes and simple straight and slanting lines. So this one is the first main motive of Madhubani art. You can see that sun is very auspicious to them, and they do Chhat Puja and all, Surya Dev ki Puja. So sun is the most important and effective motive in Madhubani art. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है। सर्कल बनाने के बाद मैंने डबल लाइनिंग्स दिया है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे यू कैन सी दैट डबल लाइनिंग का काम है। उसके बाद स्मॉल लाइन्स हैं, जितने भी गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए हमने यूज किया है। दिस इज द अनदर इम्पॉर्टेंट मोटिव ऑफ मधुबनी आर्ट। हम इसमें जितने भी हमने ये डिजाइनिंग करी है, इवन इन सन एंड इन फिश, हम इसमें डिजाइनिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में सन और फिश के और भी डिजाइनिंग आपको शो करूंगी, लेकिन इसमें मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल शेप्स, फ्लोरल डिजाइन, इनका ही यूज होता है। सो यू कैन क्रिएट योर ओन डिजाइन ऑल्सो।